दोस्तों एक रुई को जलने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड को इक्वल अमाउंट में मिलाकर अगर हम उसके अंदर एक मिनट तक रुई को छोड़ देते हैं, बाद में पानी से अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज करने के बाद बन जाती है एक फ्लैश कॉटन, जो कि पलक झपकते ही जल जाती है। ये है एक नॉर्मल कॉटन और ये है एक फ्लैश कॉटन।